कौमी राजधानी दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स तश्वीशनाक जमरे में बरकरार है। मरकजी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च ने सुबह ये मालूमात शेयर की। सफ़र के तज्जिये के मुताबिक सुबह 6 बजे दिल्ली के मजमू तौर पर AQI के साथ तश्वीशनाक जमरे में पाया गया। सफ़र ने बताया कि इससे पहले दिल्ली के हवा का मजमू मेयार इंतहाई ख़राब जमरे के ऊपरी सिरे पर पहुँच गया था। इसमें कहा गया कि आज शाम से राहत की तौकी है, लेकिन AQI इंतहा खराब जमरे में बरकरार रहेगा। दिवाली पर पाबंदी के बावजूद पटाखे चलाए जाने की वजह से कौमी दारुल हुकूमत में हवा का मेयार बशमूल शुमाली और वस्ती हिंदुस्तान के कई हिस्सों में इंतहाई खराब हो गया है, जिसके नतीजे में दिल्ली ने दिवाली के अगले दिन 5 सालों में हवा का मेयार बदतरीन रिकॉर्ड किया है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एदादोशुमार के मुताबिक पटाखे जलाने और पराली जलाने के वाकयात की वजह से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हवा के मेयार का औसत इंडेक्स 462 रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली में साल 2020 में दिवाली के अगले दिन 24 घंटों का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 435 था, जबकि 2019 में 368, 2018 में 390, 2017 में 403 और 2016 में 445 था। इस साल दिवाली पर AQI 382 रिकॉर्ड किया गया, जो कि साल 2020 में 414, 2019 में 337, 2018 में 218 और 2017 में 319 और 2016 में 431 रहा था। दरअसना दिल्ली हुकूमत में वज़ीर माहौलियात गोपाल राय ने जुमा के रोज़ कहा कि पाबंदी के बावजूद दिवाली पर पराली जलाने और पटाखे चलाने के वाकयात पेश आए, जिसके सबब हवा का मेयार ख़राब हो गया। उन्होंने BJP पर इल्ज़ाम लगाया कि इसके लीडरान ने लोगों को दिवाली पर पटाखे फोड़ने का मशवरा दिया। इसका जवाब देते हुए BJP के दिल्ली यूनिट के तर्जमान नवीन कुमार जंदल ने कहा कि दिवाली किसी सियासी पार्टी का त्यौहार नहीं है, बल्कि हिंदुओं का त्यौहार है। उन्होंने सवाल किया कि क्या आवाम आम आदमी पार्टी से वाबस्ता हिंदुओं को अपने त्यौहार मनाने की इजाज़त नहीं है? पाबंदी को दरकनार करते हुए दिवाली पर पटाखे चलाने और पराली जलाए जाने से आलूदगी में 36% का इजाफा हो गया। यही वजह है कि दिल्ली और NCR में आसमान पर धुएं का गुब्बार छा गया। दिल्ली के पड़ोसी शहरों में AQI जुमा की दोपहर को तश्वीशनाक जमरे में रिकॉर्ड किया गया है, जो फरीदाबाद में 460, ग्रेटर नोएडा में 423, गाजियाबाद में 450, गुड़गांव में 778 और नोएडा में 466 हो गया है।